नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। विघालय वार्षिकोत्सव सह खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का प्राइज वितरण का आयोजन भी किया गया। रोहतास नोखा से मंटू कुमार की रिपोर्ट। नोखा डेफोडिल्स एकेडमी पब्लिक स्कूल की तरफ से वार्षिकोत्सव 3 दिन तक चलने वाले खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नोखा थाना प्रभारी प्रमोद कुमार ने दीप जलाकर किया। उद्घाटन किए ईसाई कैलाश सिंह, कपिल मिश्रा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। स्कूल के प्रिंसिपल नीतू पटेल ने बताया कि बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास के लिए समय समय पर ऐसी प्रतियोगिता करनी चाहिए ताकि उनका संतुलित विकास हो सके। गुरुवार प्रतियोगिता में क्रिकेट, कबड्डी, चॉकलेट रेस, कुर्सी रेस, साइकिल रेस, 100 मीटर का दौड़ सहित अन्य खेल खेलों का प्रतियोगिता कराया, जिससे सभी खेलों जो छात्र प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है उन सभी छात्रों को आज प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा, प्राइज देकर सम्मानित किया गया, जिसमें उपस्थित नीतू सिंह पटेल, रिंकू पटेल, शिक्षक रविवार कुमार, विक्की कुमार मौजूद थे। विघालय वार्षिकोत्सव सह खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का प्राइज वितरण का आयोजन भी किया गया। रोहतास नोखा से मंटू कुमार की रिपोर्ट। नोखा डेफोडिल्स एकेडमी पब्लिक स्कूल की तरफ से वार्षिकोत्सव। जहां तक मेरी